हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है कौन सा, घातांक और करणी। घातांक और करणी से हमारे मध्य प्रदेश के प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, घातांक और करणी के प्रश्न आपको देखने मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप वीडियो में बने रहिए, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। आप घातांक और करणी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बस आप लगातार वीडियो में बने रहिए। घातांक क्या होता है, करणी क्या होती हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लगातार प्रश्नों के ऊपर भी आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर समझते हैं घातांक और करणी के नियम। तो सबसे पहले नंबर देखिए, घातांक अलग होता है और करणी अलग होते हैं। घातांक के कुछ नियम, तीन चार नियम हैं, वो अलग होते हैं और इसी प्रकार करणी के कुछ नियम अलग होते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न घातांक से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, तो सबसे पहले नंबर हम जान लेते हैं कि घातांक होता क्या है, घात होती क्या है, आधार क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर, जैसा कि हम यहाँ पर बोर्ड पर सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या लिखा है, जैसे हमने लिख दिया x टू दी पावर m, या फिर हमने लिख दिया या फिर हमने लिख दिया x e टू दी पावर n, क्या लिख दिया ये दोनों, देखिए यह क्या लिखा है, x के ऊपर m की पावर, इसे बोलते हैं पावर या घात बोलते हैं, या a के ऊपर n की पावर, इसे इस प्रकार कोष्टक में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखो, यह जो लिखा है x, इसे कहते हैं हम आधार, इसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसे बोलते हैं हम आधार। और यह जो ऊपर जो लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे हम बोलते हैं घात, इसे हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं इस वाले में, तो यह जो ए लिखा है, यह कहलाता है आपका आधार, इसे हम बोलते हैं आधार, या इंग्लिश की बात करी जाए तो इसे बोलते हैं बेस। और यह क्या होता है, यह जो ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं घात, और इसे घात और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि यदि एक्स के ऊपर m की पावर, a के ऊपर n की पावर, तो x क्या है, आधार कहलाता है, और जो ऊपर घात लगी है या जो ऊपर अंक लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, m, m क्या है यहाँ पर, घात कहलाती है। तो सबसे पहले नंबर x और m के साथ में यदि हम कोई संख्यात्मक वैल्यू लेके भी समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या के ऊपर, कोई भी संख्या के ऊपर जितने की भी घात लगी होती है, इसका मतलब होता है कि इस संख्या का इतनी बार गुणा। जैसे x के ऊपर m की पावर लगी है, इसका आशय क्या है, इस x का कितनी बार गुणा, m बार गुणा। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर a के ऊपर n की पावर लगी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a का कितनी बार गुणा, n बार गुणा। जैसे यदि हम एक और चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम लिख दें कि 2 के ऊपर 3 की पावर, इसका मतलब क्या होगा कि 2 का कितने बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसका सॉल्व क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया कि यह जो नीचे लिखा होता है यह आधार कहलाता है, और जो ऊपर लिखी होती है वह पावर या घात कहलाती है। इसका मतलब होता क्या है, इस पूरे का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता क्या है कि यदि मान के चलो आधार के ऊपर जितनी की भी घात लगी होती है, उस आधार का उतने बार क्या होता है, गुणा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि 2 के ऊपर 3 की पावर, इसका मतलब क्या होगा कि 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जैसे यदि हम लिख दें कि 5 के ऊपर कितनी की पावर, 2 की पावर, 5 के ऊपर 2 की पावर का मतलब क्या कि 5 का कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, तो 5 गुणित कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और 5 गुणित 5 बराबर कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, घातांक के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब देखते हैं अपन क्या, जैसे कि हमने बोर्ड पर लिख दिया है घातांक के नियम, तो कुछ नियम हैं, इन्हीं नियम के थ्रू इसके क्या किए जाते हैं, सवाल सॉल्व किए जाते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने पहला नियम लिख दिया, पहला नियम क्या लिख रहे हैं कि a के ऊपर कितने की पावर m की पावर इंटू a के ऊपर कितने की पावर n की पावर,
उम्मीद करते हैं कि बोर्ड में आपको अच्छा दिख रहा होगा कि ए के ऊपर कितने की पावर है स्मॉल एम की पावर और गुणित ए के ऊपर कितने की घात है स्मॉल एन की घात। यह क्या लिखा है, एन की घात। तो यदि आपको इस प्रकार दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, एम माइनस एम की घात। आधार समान है और गुणा का निशान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के ऊपर एम की पावर इंटू ए के ऊपर एन की पावर बराबर कितना हो जाएगा, ए के ऊपर एम प्लस एन की पावर। आपको देखो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये लिखा क्या है हम समझने का प्रयास करते हैं, समझना जैसे इसका मतलब होता क्या है, इस नियम को हम समझाने का प्रयास करते हैं और दोनों चीज़ें सिद्ध करते हैं। देखो जैसे ए के ऊपर एम की पावर, ए के ऊपर एन की पावर बराबर होता है ए के ऊपर एम प्लस एन की पावर, मतलब कि दोनों जगह के देखो आधार क्या है, समान है और बीच में काय का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा इंटू का चिन्ह लगा है और दोनों की घातें कैसी हैं, अलग अलग हैं। जब आपको कहीं पर प्रश्न में इस प्रकार चीज़ें देखने मिलती हैं तो डायरेक्ट क्या किया जाता है, आधार के ऊपर घातों को कैसे लिख दिया जाता है, जोड़ के लिख दिया जाता है। समझाने का प्रयास करते हैं, समझना जैसे आपको कहीं पर लिखा आ जाए दो के ऊपर कितने की पावर तीन की पावर और इंटू दो के ऊपर लिखा आ जाए कितने की पावर दो की पावर, तो जब हम इसे इस प्रकार यदि आपको लिखा आ जाता है तो इसका डायरेक्ट हल क्या हो जाएगा, आधार कितनी हो जाएगा, आधार तो दो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आधार ए है तो आधार हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर दो लिख लिया और घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो तीन धन के दो बराबर क्या हो जाएगा, दो के ऊपर कितने की पावर पाँच की पावर, दो के ऊपर पाँच की पावर। चाहे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, बराबर निकलेगी। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर यदि बड़े अंक या बड़े मान होते तो हम इसको सॉल्व करने में थोड़ी सा टाइम लग जाता, लेकिन यदि हम नियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यह नियम से हमने जल्दी सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो का कितने बार गुणा, दो का फाइव टाइम्स गुणा, कितने बार गुणा, दो का पाँच बार गुणा, और दो का जब हम पाँच बार गुणा करेंगे तो दो इंटू दो गुणित दो फिर गुणित दो गुणित कितने हो जाएंगे, दो एक दो तीन चार पाँच, और पाँच बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी कितने हो जाएंगे, बत्तीस हो जाएंगे। और इसको भी हम देखते हैं कि हमारा बराबर वैल्यू आती है कि नहीं आती है, दो का तीन बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो दूनी चार, दूनी कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, और दो का दो बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, और जब आठ का चार में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्टी टू आ जाएगा। तो देखो दोनों चीज़ें अपन की बराबर आई, तो इस प्रकार हम इस प्रकार यदि आपको दिया है तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि कहीं पर इस प्रकार आपको आकृति मिलती है, सॉरी आकृति नहीं, इस प्रकार यदि आपको कहीं लिखा मिलता है तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको घातांक और करणी का पहला नियम समझ में आया। अब इसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको दूसरा नियम। हाँ, अब आपके लिए हम समझाने का प्रयास करते हैं सेकंड नियम। पहला नियम हमने आपके बोर्ड पर लिखे रहने दे रहे हैं, या जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके बाद मैं आपके लिए घातांक और करणी का सेकंड नियम बताता हूँ, दूसरा नियम क्या होता है। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल से समझना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सा समझाने में थोड़ी सा टाइम लगेगा या टाइम लग सकता है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से घातांक और करणी का चैप्टर समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम होता है घातांक और करणी का कि यदि मान के चलो ए के ऊपर एन की पावर और ए के ऊपर काय की पावर एम की पावर दोनों कैसे हों, बटे में हों, घातें कैसी दी गई हों, बटे में दी गई हों कि ए के ऊपर एम की पावर डिवाइडेड बाय ए के ऊपर एन की पावर। तो इसका क्या मतलब होता है कि यदि मान के चलो इस प्रकार घातें दी गई हों तो घातों क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, कैसे, ए के ऊपर क्या हो जाएगा, एम माइनस काय की पावर एन की पावर। इसी नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, ए के ऊपर काय की पावर एम की पावर और डिवाइडेड का चिन्ह लगा के ए के ऊपर एन की पावर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के ऊपर एम माइनस एन की पावर। इस प्रकार से हम भी इस नियम को लिख सकते हैं। तो यदि आपको यह वाला नियम हम समझाने का प्रयास करते हैं तो कैसे गणितीय रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, इससे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे एक और क्या लिखते हैं कि जैसे आपको लिखा आ जाए कि दो के ऊपर कितने की पावर छह की पावर और डिवाइडेड बाय लिखा जाए दो के ऊपर कितने की पावर दो की पावर, तो इसका हल कैसे होगा। सबसे पहले नंबर तो इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यदि
ही मान के चलो नियम लगाए यदि घातांक और करणिका, तो क्या हो जाएगा, आधार कितना है, दो है हमारा, और क्या कर देंगे, घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो 6 माइनस कितने की पावर, 2 की पावर, और जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 2 के ऊपर कितने की पावर, 4 की पावर, और 2 के ऊपर 4 की पावर का आशा क्या होता है कि 2 का कितने बार गुणा, 4 बार गुणा, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4 × 8 × 2 = कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमने आपके लिए सेकेंड नियम भी बताने का प्रयास किया है कि यदि मान के चलो आधार समान है, चूंकि घातें अलग अलग हैं और इसमें क्या दिया गया हो, भाग दिया गया हो, तो क्या हो जाता है, आधार में से घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, सॉरी आधार के ऊपर जो घातें बड़ी में से छोटी घात क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यह नियम क्या है, इस प्रकार आपको नियम समझ में आया है। 2-4 नियम और हैं, उनको भी बताने का प्रयास करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अपन प्रश्नों के ऊपर चलेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो में आप लगातार बने रहिए। हाँ, तीसरा नियम हम जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा नियम क्या है कि यदि a के ऊपर m की पावर और इसके ऊपर काय की पावर है, n की पावर है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती है। ये बहुत आसान नियम है कि यदि a के ऊपर m की पावर और इसके ऊपर होल पावर कितनी दी है, n की पावर, तो इनकी घातें क्या हो जाती, गुणा हो जाती, m गुणित कितनी हो जाते हैं, n हो जाते हैं। इसे भी हम घातांक, इसे भी हम गणितीय रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि आपको लिखा आ जाए कि 2 के ऊपर 2 की पावर और इसके ऊपर कितने की पावर, इसके ऊपर 3 की पावर, तो इसका हल क्या हो जाएगा कि 2 के ऊपर 3 घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है, 2 × 2 = कितने की पावर, 6 की पावर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब इन घातों का गुणा हो जाएगा तो 2 के ऊपर कितने की पावर, 6 की पावर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप क्या है कि इस प्रकार का नियम भी होता है कि यदि 2 के ऊपर 2 की पावर और उसके ऊपर होल पावर यदि रखी है तो कितना हो जाएगा, इन सभी पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसके बाद में हम सेकेंड नियम समझने का प्रयास करते हैं। ये नियम बहुत आसान है। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है कि यदि मान के चलो दो आधार अलग अलग हैं, दो आधार अलग हैं, एक ए है और एक बी है, और इसके ऊपर पावर काय की लगी है, एम की पावर लगी है, तो इनसे पावर क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। कैसे कि ए गुणित बी लिखा है, या यहाँ पर क्या का चिन्ह हो सकता है, गुणा का भी चिन्ह हो सकता है, तो ए इंटू बी के पावर कितनी है, एम है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग, तो ए के ऊपर एम की पावर गुणित बी के ऊपर काय की पावर हो जाएगी, एम की पावर। इस प्रकार से भी नियम है, गणितीय रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपको लिखा आ जाए दो गुणित कितने लिखे आ जाए, 2 × कितना लिखा है, 5 लिखा है, या दो गुणित कितने लिखे हैं, 5 लिखे हैं, इसके ऊपर यदि पावर 2 की लगी आ जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर अलग लिख सकते हैं, और इसे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 2 की पावर अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे एक और नियम होता है, उस नियम को भी समझने का प्रयास करते हैं। घातांक का नियम होता है, पाँचवें नंबर का नियम, कि यदि मान के चलो किसी भी आधार के ऊपर यदि 0 की पावर लगी है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका आशा क्या होता है, किसी के ऊपर भी 0 की पावर लगी है तो उसका मतलब होता है कितना आंसर आता है, 1 आता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप 0 की यदि पावर लगा देते हैं तो उसका आशा कितना होता है, 1 होता है। आगे एक और नियम है इसका, छठवें नंबर का नियम, कि यदि किसी के ऊपर भी यदि ऋणात्मक घात लगी है, जैसे a के ऊपर -1 की पावर, तो इसका आशा क्या होता है, 1/ कितना होता है, 1 होता है, 1/ कितना होता है, a होता है। जैसे यदि a के ऊपर -1 की पावर लगी है तो इसका आशा क्या हो जाएगा, 1/a। जैसे इसके लिए एक और नियम समझाते हैं आपको, इसको और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे a के ऊपर 2 की पावर लगी है तो कितना हो जाएगा, 1/a के ऊपर कितने की पावर, 2 की पावर हो जाएगा। जैसे यदि आपको आ जाए कि a के ऊपर -3 की पावर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/ कितने हो जाएंगे, 1/ कितने हो जाएंगे, 1/3 की पावर। तो इस प्रकार आपको हमने ये 6 नियम समझा दिए हैं। इन 6 नियमों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि जो हमारे साथ में नोट्स बना के पढ़ाई कर रहे हैं तो इनके क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इन नियमों के साथ में। अब हम ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं ऐसे प्रश्नों के ऊपर जो कई बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, या आगे इन इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछने जाने वाले हैं।
मैंने बोर्ड पर पहला प्रश्न लिख दिया है जो कि घातांक करणी का सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को हम समझेंगे कि कैसे जो हमने आपको नियम बताए हैं उन नियम की सहायता से इसका हल निकलेगा। क्या लिखा हुआ है कि 16 के ऊपर 3/4 का हल क्या होगा, क्या है, जहां पर 16 क्या है, आधार है। और यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि 3/4 क्या है तो अपन क्या बताती, इसकी घात है। तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए क्या लिखा है, 16 के ऊपर कितना लिखा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 16 के ऊपर 3/4 की पावर है, इसका हल क्या होगा। सबसे पहले नंबर हमारे दिमाग में आता है कि 16, अभी तो हमने समझा था कि 16 के ऊपर जितनी की पावर लगी है उतनी बार गुणा, तो यह 16 का हम 3/4 बार गुणा तो नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस 16 को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो हम नियम भी बताएंगे कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि a के ऊपर m की पावर और इसके ऊपर होल पावर n, तो इसका गुणा क्या हो जाता है, इसका सॉल्व क्या हो जाता है, a के ऊपर m गुणित काय की पावर, n की पावर। इस प्रकार से हमने आपको नियम बताया था। अब इसमें देखते हैं कि इसमें इस नियम की सहायता से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, हम 16 को कितने की पावर लिख सकते हैं, 2 × 4 × 8 × 16। क्या हम 2 के ऊपर 4 की पावर लिख सकते हैं 16 को, तो 2 के ऊपर 4 की पावर और होल का पावर कितना दिया है, 3/4 दिया है। इस प्रकार हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 का जब हम 4 टाइम्स गुणा करेंगे या 2 का हम जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो इस 16 को कितना लिख सकते हैं, 16 को हमने क्या लिख दिया, 2 के ऊपर 4 की पावर। अब हमने नियम पढ़ा है कि यदि a के ऊपर m की पावर और इसके ऊपर होल पावर यदि n है तो इन घातों का क्या हो जाता, आपस में इनटू हो जा सकता होता है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर 4 की पावर और इनटू 3/4 की पावर, घातों का क्या हो गया, गुणा हो गया। तो देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 3 की पावर, और 2 के ऊपर 3 की पावर का कितने बार गुणा है, 2 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा। तो 2 × 2 = 4 × 8, 2 का 3 बार गुणा कितना होता है, 8 होता है। तो आपका फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यदि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो में लाइक करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, और कमेंट करिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न हमने आपके बोर्ड पर लिख दिया है, इसको भी समझने का प्रयास करिए। और ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसानी से पेपरों में मिल जाते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं और पूछा जाता है कि 243 प्रश्न को देखते हैं कि 243 के ऊपर 3/5 का पावर लगा हुआ है का हल क्या होगा, या जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हल क्या होगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमने बताया कि 2 के ऊपर यदि 4 की पावर लगी है तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या बताया था कि इसका जितनी की पावर लगी हो उस आधार को उतनी बार गुणा करके लिख देना है। मतलब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा, 2 × 2 × 2, 4 बार गुणा। और इसे हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 × 2 = 4 × 8 × 2 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आपको ये बात समझ में आई है, लेकिन यहाँ पर तो पावर कितने की लगी है, 3/5 की पावर लगी है। तो क्या हम इस 243 को 3/5 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, हमने आपके लिए इसके पहले जैसा नियम बताया है उस नियम की सहायता से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से वीडियो में बने रहें। आप यदि पेशेंस बनाए रखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। क्या लिखा है, 243 समझ प्रश्न पर चलते हैं, 243 के ऊपर कितने की पावर, 3/5 की पावर। इस 243 को और कुछ लिख सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 243 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर कितने की पावर, 3/5 की पावर, और होल पावर कितने की पावर, 3/5 की पावर। तो इस 243 को हमने 3 के ऊपर कितने की पावर लिख दिया, 5 की पावर लिख दिया। ये तुम्हें जब आगे चल के आप प्रश्न पढ़ते जाओगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि इसको हम इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं। जब हम 3 का 5 टाइम गुणा करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है, 243 आता है। अब हम पुनः एक बार आपको सूत्र लिख के बताते हैं कि कौन सा अपन ने नियम पढ़ा है। नियम हमने पढ़ा है कि a के ऊपर m की पावर और इस होल पावर n है, तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो a के ऊपर m गुणित काय की पावर, n की पावर, ये हमने नियम पढ़ा है। तो इसी नियम के अनुसार इसका क्या हो जाएगा, इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर 5 की पावर और
और गुणित कितने हो जाएंगे, 3/5 हो जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा आगे, 3 के ऊपर कितने की पावर बचेगी, ओनली 3 की पावर, और 3 के ऊपर 3 की पावर का मतलब क्या होता है, 3 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा, और 3 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितने आते हैं, 27 आता है, इसे हम लिख के और सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा है दिक्कत कोई तो कैसे, 3 तरह का 9 9 3 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो हमने जब इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर कितना आ गया, 27 आ गया। तो इस प्रकार एक और हम प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, जिसमें यहाँ पर यदि मान के चलो घात काय की हो, माइनस की पावर हो, माइनस की पावर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार दोस्तों। हाँ, एक और प्रश्न आपको लिख दिया है, इस प्रश्न के ऊपर पावर काय की लगी हुई है, माइनस की पावर लगी हुई है। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि यदि पावर माइनस की आती है तो उसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर एक नियम समझ लीजिए कि यदि आपको लिखा है एक बटे ए के ऊपर कितने की पावर, माइनस एम की पावर, या मान के चलो m बटे कितने की पावर, m बटे n की पावर लगी है माइनस की। तो जब इसके लिए यदि मान के चलो हम ऊपर लेके जाएंगे या इसको हम पलटेंगे तो यह पावर काय की हो जाएगी, धनात्मक पावर हो जाती है, और यह आपस में क्या हो जाती है, पलट जाती है। कैसे, यदि हम इसको लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे a बटे कितने एक लिखेंगे और यह पावर काय की हो जाएगी, धन की पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो यदि इसे और सॉल्व करेंगे तो a के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, m बटे काय की पावर हो जाएगी, n की पावर हो जाएगी, और यह पावर हमेशा क्या बन जाती है, धनात्मक बन जाती है। तो सीधी बात इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब यदि हम आधार को पलटते हैं तो जो पावर है वो कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। यही इससे क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सीधी बात एक और फिर से बात बताने का प्रयास करते हैं कि जब कभी भी आधार पलटता है, आधार पलटता है, आधार इसमें क्या है, एक बटी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और घात क्या हो जाएगी, माइनस की एम बटी एन हो जाएगी। तो जब आधार पलटता है, एक बटी ए पलटेगा तो पलटने पर क्या बनेगा, ए बटी कितना बनेगा, एक बनेगा, और घात क्या हो जाएगी आपकी, ऋणात्मक से क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। सीधी बात है कि घात का चिन्ह क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए के ऊपर प्लस के एम बटी एन की पावर। ये बात आपको समझ में आई है, यदि ये बात समझ में आई है तो अब अपन करते हैं उस वाले प्रश्न के लिए। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना सभी लोग, ऐसे प्रश्न भी कई बार आपको एसएससी, रेलवे में, एमपी पुलिस में और व्यापम के पेपरों में इस प्रकार के टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। क्या लिखा है, 1/16 के ऊपर कितने की पावर लगी हुई है, माइनस के 5/4 की पावर लगी हुई है। हमने अभी आपको बताया है कि जब इस प्रकार से इसके आधार को पलटेंगे, आधार क्या है, 1/16 है, जब इसे हम पलटेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 16/ कितने लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 16/1 लिखेंगे, तो यह घात जो ऋणात्मक है वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक घात हो जाएगी। तो कितनी हो जाती है, 5/4 की, ये ऋणात्मक घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक। और इसके बटे में हम जानते हैं कि यदि मान लो किसी भी संख्या के बटे में यदि एक है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16 के ऊपर कितने की पावर, 5/4 की पावर हो जाएगी। देखो अब ये पहले जैसे प्रश्न बन गया, अब इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2/4 की पावर, और 2/4 की पावर बटे कितने हो जाएंगे, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको एक नियम पढ़ा है कि 2/a एम की पावर और इसके ऊपर होल पावर एन, तो क्या हो जाता है, घातों का आपस में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए के ऊपर एम इनटू एन की पावर हो जाएगी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2/4 की पावर इनटू 5/ कितने हो जाएंगे, 4, इससे 4 से 4 कट जाएगा, तो 2/5 की पावर, और 2/5 की पावर का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया कि 2 का कितने बार गुणा, 5 बार गुणा, तो 2 का जब हम 5 बार गुणा इस प्रकार करके लिख दो, यदि आपको समझ में नहीं आता है कितने बार गुणा, 1, 2, 3, 4, 5, इसका जब 5 टाइम गुणा करेंगे तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। थोड़ी सा क्या है, हमने स्टेप बाय स्टेप बना के बताया है आपको, तो थोड़ी आपको लगा होगा कि यह बड़ा हो गया है, लेकिन जब आपको थोड़ी सा इस प्रकार बार बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी समझदारी बढ़ जाएगी, तो आपको बहुत आसानी से हल्के हल्के स्टेपों में इसको हल कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो हमने एक स्टेप बना दिया है कि अलग करके काटा है, यहीं से यहाँ से यहाँ, इसके लिए भी तो हम काट सकते हैं और डायरेक्ट 2/5 की पावर आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, जब हम ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझदारी
आ जाती है कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो में आगे और हम आपको एक दो प्रकार के प्रश्न बताते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आगे घातांक और करणी के हम आपको बहुत सारे टाइप और बना के वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में। हाँ, इस प्रकार आपको एक और हमने माइनस वाला प्रश्न लिख दिया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी समझने का प्रयास करिए। प्रश्न है कि 32 के ऊपर कितने की पावर दी गई है, ऋण के 1/5 की पावर दी गई है, का हल क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि जब घात ऋणात्मक दी गई हो और उसे धनात्मक बताते हैं तो आधार कैसा हो जाता है, बदल जाता है। आधार कैसा हो जाता है, बदल जाता है, या आधार पलट जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, इस 32 के लिए 1/ कितने की पावर, 32 की पावर, और इसकी घात कैसी हो जाएगी, आपकी धनात्मक घात हो जाएगी, 1/5 की पावर। अब आपको हमने घातांक करणी का एक नियम बताया है कि एक्स के ऊपर, सॉरी, ए के ए बटे बी के ऊपर यदि एम की पावर लगी है तो घातें अलग अलग हो जाती हैं। तो ए के ऊपर एम की पावर और बी के ऊपर कितने की पावर, एम, बी के ऊपर एम की पावर। तो उसी नियम से क्या हो जाएगा कि एक के ऊपर कितने की पावर हो जाएगी, 1/5 की पावर, और इस 32 के ऊपर भी कितने की पावर हो जाएगी, 1/5 की पावर। चूँकि एक के ऊपर कितने की ही घात क्यों ना लगा दी जाए तो उसका आंसर कितना होता है, एक ही होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। लेकिन नीचे 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2/5 की पावर। कितना हो जाएगा, 2/5 कितने की पावर, 5 की पावर, उसकी होल पावर कितना दिया है, 1/5 की पावर। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2/ कितने की पावर, 1 की पावर, और 2/ 1 की पावर का आंसर क्या होता है, 2/1/2। तो इस प्रकार जब हम इसे सॉल्व करेंगे 32 के ऊपर 1/5 की पावर, तो सॉल्व करते करते कहां पर पहुंच रहा है, 1/2 पहुंच रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखो आपको थोड़ी सी स्टेप बड़े इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम कैसे करके बता रहे हैं, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है तो थोड़ी सा बड़ा है। लेकिन जब आप इस प्रकार से प्रश्नों को बार बार सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, और इसे ही आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट बना के कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको हमने घातांक और करणी का आज पूरा बेसिक बताया है, पूरे हमने नियम बताए हैं, नियम के साथ में जो एक्चुअल या बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको भी करवाने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर इसके और पार्ट बना के अपलोड कर देंगे। आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जितने भी वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और MP कांस्टेबल का पूरा संपूर्ण कोर्स हम अपने YouTube चैनल पर निःशुल्क पढ़ाएंगे, तो आप हमारे लगातार YouTube चैनल से जुड़ जाइए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।